वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल, आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्रम मंत्री श्री अनिल राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, गिरीश चंद यादव जी, माननीय सांसद श्री बीपी सरोज जी, विधान परिषद और विधानसभा के सभी माननीय सदस्यगण, काशी के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन विधानसभा चुनावों के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में काशी में हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ऐतिहासिक विजय के उपरांत काशी आगमन पर उनकी काशी में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से काशी वासियों की ओर से प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने सफलतम 8 वर्ष के कार्यकाल को भी पूरा किया है। देश के अंदर शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम तबके के नागरिक को प्राप्त हो, बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं समाज के हरेक तबके को प्राप्त हो सके, आजादी के बाद पहली बार भारत के सुदूर गांव में निवास करने वाला व्यक्ति हो, झोपड़ी में रहने वाला इंसान हो, या नौजवान हो, महिलाएं हो, या समाज के किसी भी तबके का व्यक्ति, जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा इन सब से ऊपर उठ करके उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ जिस प्रभावी ढंग से विगत 8 वर्ष के अंदर प्राप्त हुआ है, 8 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के बाद काशी के सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी का काशी में आगमन हुआ है, मैं इस अवसर पर काशी वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, काशी के इतिहास में विगत 8 वर्ष का इतिहास अत्यंत अनमोल और दिव्य रत्नों से जुड़ा हुआ है। काशी ने एक नई यात्रा प्रारंभ की है और आज काशी को एक नई काशी के रूप में दुनिया देख रही है। काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना का वह साकार रूप है जिस पर पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध होकर के काशी में आ रही है। और जब 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के पूज्य संतों के सामने, अलग अलग संगठनों के महानुभावों के सामने काशी विश्वनाथ धाम का भव्य लोकार्पण किया था, 13 दिसंबर के बाद से कोई दिन ऐसा नहीं जब काशी में
1 लाख से लेकर के और 5 से 6 लाख तक श्रद्धालुओं ने काशी भगवान विश्वनाथ का दर्शन न किया और काशी आगमन होकर के इस बदलती हुई काशी को नए कलेवर के रूप में न देखा हो। स्वाभाविक रूप से एक जनप्रतिनिधि के रूप को कैसे जनता के साथ जुड़ाव होना चाहिए और अपने विकास की योजनाओं को कैसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए, यह आदर्श आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल जनप्रतिनिधियों को बल्कि वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने भी उस प्रकार का आदर्श रखा है। आज काशी की 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन हुआ है और 1:30 बजे से लगातार कार्यक्रमों पर कार्यक्रम, कार्यक्रम से कार्यक्रम जुड़ते हुए अब यहां पर काशी के सार्वजनिक कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। जो परियोजनाएं आज यहां पर आ रही हैं ये शिक्षा से भी जुड़ी हैं, स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई हैं, काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ी हुई हैं, काशी के टूरिज्म से भी जुड़ी हुई हैं, काशी के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हमारे युवा भी यहां पर बड़ी मात्रा में आए हुए हैं। उनके भावी जीवन को मंगलमय बनाने के लिए भी इस संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम को कैसे नया स्वरूप देना है वह आज भारत के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया खेलों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के माध्यम से ग्राम पंचायत से लेकर के वैश्विक मंच पर भारत के खिलाड़ियों की जो धमक आज दिखाई दे रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही कृपा और उनके मार्गदर्शन में हुआ है। आज यहां पर अनेक परियोजनाओं से जुड़ी हुई लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर उन्हीं की काशी में, जिस काशी का वे संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस काशी को उन्होंने विगत 8 वर्ष में वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है, उस काशी में, जिस काशी में मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा को दशकों तक लोग देखते देखते उनकी आंखें तरस गई थी, लेकिन आज वह काशी अपनी इस अविरल और निर्मल धारा को, मां गंगा की इस अविरल और निर्मल धारा को देख रही है, बाबा विश्वनाथ के धाम को देख रही है, काशी के भौतिक और आध्यात्मिक उन्नयन के कार्यक्रमों को शिक्षा और चिकित्सा के एक नए हब के रूप में विकसित हो रही काशी को आज हर व्यक्ति अपनी आंखों से देख रहा है। आज यहां पर 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ फिर से काशी आगमन पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी काशी वासियों की ओर से, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर विगत विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 100% सफलता दी थी, इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के लिए उनका एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।